भिवंडी के एक अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत पर हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल एक गर्भवती महिला को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इस गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिजन बिना पोस्टमार्टम के ही डेड बॉडी मांग रहे थे, मगर डॉक्टरों ने बिना पोस्टमार्टम के डेड बॉडी देने से मना कर दिया, जिसके बाद हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा। इस दौरान परिजनों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। इतना पैसा ले लिया तभी भी दे रहा। 6:30 बजे लेकर के आए थे भाई और 11:30 बजे मौत हो गई। हमको बोल रहे क्या, अभी एक एक आदमी देख लो तुम। एक एक आदमी जब मैं गया देखने के लिए तो डेड एक्सपायर हो गया था। तो भी आए, फिर मैं बाहर आया तो ये क्या बात हो रही थी, उन लोग बड़े बड़े लोग से बात हो रही थी। तो इन लोग में बात क्या हो रही थी कि तुमको बॉडी मिल जाएगा, तुम पैसा पे कर दो, तुमको पैसा बॉडी मिल जाएगा। तो जब पैसा पे कर दिए, थोड़े देर के बाद वो बड़ा साहब आया डॉक्टर। अब वो क्या बोलने लगा, हवलदार बुला के लाया कि हम जुलूम कर रहे, डंडा लेकर के खड़े हैं, मारे सीटी कैमरा है, चेक कर लो, हम लोग कुछ नहीं किए, मेरे हालत है क्या उसको डॉक्टर को मानने को। अब मेरी बहन है वो, हाँ मेरी सगी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरा अब्बू है। इधर आया तो मैं अंदर जा रहा था गेट के अंदर, तो उस मैंने बोलता नहीं जाने देगा। हाँ तो मैं बोला क्यों नहीं जाने देंगे भाई, मेरी लड़की है, इंतकाल हो गया, अंदर जाना है। बोलता नहीं जाने देंगे, डॉक्टर वो मना किया है। तो मैं बोला पैसा तो वो सब चुकता हो गया तुम्हारा सब। हाँ तो क्या बोलता है, इंदिरा में बॉडी इंदिरा में भेजेगा मैं, मेरे को लास्ट चाहिए। हाँ बोलता है वो इंदिरा में भेजेगा। तो मैं बोला क्यों इंदिरा भेजेगा भाई, तुम पहले क्या बोले थे कि पैसा एकदम चुकता करो, अब मैं बॉडी जो है आपको दे देता हूँ। हाँ तो इसके बाद वो पैसा ले लिया, बॉडी दे देंगे, नामे नहीं ले रहा है, पुलिस बुला लिया मारने के लिए, पुलिस मारने के लिए बुलाया। हाँ